बाकला एक दलहनी फसल है। बाकला प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसका उपयोग दाल और सब्जी दोनों ही रूप में किया जाता है। बाकला की खेती के लिए दोमट मिट्टी या हल्की चिकनी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। झारखंड के लिए बहुत पोटेंशियल क्रॉप है, हालांकि इसकी खेती जो है अभी झारखंड में बहुत कम होती है, किसान के बारे में इसकी जानकारी भी कम है। बाकला लगाने का सबसे अभी उत्तम समय अभी चल रहा है, अक्टूबर के मध्य तक हम बाकला की खेती कर सकते हैं। इसके लिए बाकला लगाने के लिए सबसे पहले जैसे गेहूं वगैरह की आप तैयारी करते हैं, उसी तरह खेत को 2-3 बार जोत लीजिए, उसका जो है उसका पाटा लगा के समतल कर लीजिए। जो अभी हालांकि बाकला की उतनी ज़्यादा जो किस्में हैं वो अभी विकसित नहीं हुई हैं, फिर भी विक्रांत एक वेराइटी है बाकला की, विक्रांत, जो कि पूरे इंडिया में वो उसकी उत्पादकता अच्छी होती है और किसान भाई लेते हैं। तो झारखंड के किसान भाई विक्रांत किस्म जो है बाकला की वो ले सकते हैं। किसान भाई बीच में जैसे निकाई गुड़ाई, एक तो 25 दिन पे एक निकाई गुड़ाई आवश्यक है, और उसके बाद जो है यदि खरपतवार ज़्यादा है तो 35 से 40 दिन में दूसरी निकाई गुड़ाई ज़्यादा है, और उसके बाद जो है आप जो है जो जैसे खाद की मात्रा करते हैं तो बुआई के समय आधा खाद डालें, और उसके बाद जो है नाइट्रोजन की जो मात्रा बचती है उसको 2 भाग में बांट करके 25% जो है वही निकाई गुड़ाई करके 25 दिन के बाद डालें, और फिर दूसरी मात्रा जो है दूसरी निकाई गुड़ाई करके 35-40 दिन के बाद डालें। इस तरह किसान भाई यदि बाकला की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। बाकला एक सबसे पहले बहुत पोटेंशियल दलहनी क्रॉप है। ये जो है हमारा बाकला जो है वो 130 दिन में पक के तैयार हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो बीज दर है वो 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसको लेते हैं। खरपतवारों के प्रतिस्पर्धा से फसल को बचाने के लिए 25 दिन और 35 से 40 दिनों के अंतराल पर 2 बार निकाई गुड़ाई करें। निकाई गुड़ाई के क्रम में बचे हुए नाइट्रोजन के आधे भाग को फसल में 2 बार डालें। 130 दिन में पक के तैयार, और इसमें जो खाद की मात्रा है, जो किसान भाई जो खाद डालते हैं, तो 88 किलो यूरिया, 375 किलो जो है सिंगल सुपर फास्फेट, DAP नहीं, सिंगल सुपर फास्फेट, और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 34-35 किलो हम 1 हेक्टेयर की दर से उसमें डालते हैं। और बाकला की खेती जैसे किसान भाई जो आम खेती करते हैं, गेहूं खेती करते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि कतार से कतार की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए।